जय माता दी। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय साथियों। नवरात्रि न केवल व्रत के लिए, पूजा पाठ के लिए, बल्कि हमारे जीवन के बहुत सारे दुख और दरिद्रों को दूर करने का एकमात्र साधन है। देवी माँ के नौ स्वरूपों की पूजा हेतु अति शुभ मंगलकारी समय आ चुका है। अगर आपके घर में भी रोग, शोक, दुख, कलह, चिंता, पारिवारिक कलह, टोना टोटका, कार्य में बाधा, मैरिज और मैरिटल लाइफ में कोई अशांति है, ऐसी संपूर्ण कलियुग की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः। सिद्धांत के अनुसार हमने यानी आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने सभी भक्तों के पूर्ण सुख शांति दायक जीवन बनने के लिए विद्वान पंडितों के सानिध्य में नवरात्रि के नौ दिनों तक नव दुर्गा की पूर्ण प्रसन्नता के लिए अखंड ज्योति के समक्ष अति पवित्र एवं अभिमंत्रित माँ बगलामुखी यंत्र, आपके लिए रक्षा सूत्र और हल्दी की माला के साथ अष्टगंध की पूजन सामग्री हम तैयार कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार के कष्ट से जूझ रहे हैं तो ये सामग्री आपको नवरात्रि के बाद हम पहुंचा देंगे। आप अपने और अपने सौभाग्य के लिए अगर इसे पाना चाहते हैं तो आप तुरंत संपर्क करें ताकि समय रहते पंडित जी की व्यवस्था आपके लिए की जा सके और नवरात्रि के बाद वो सामग्री आपको भिजवाई जा सके। आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। गुरु कीजिए दस पांचा, जब तक मिले न सांचा। कबीरदास जी ने कहा है कि आप किसी एक गुरु के भरोसे न रहें। आजकल आपने देखा ही, गुरु के पास भी समय नहीं है जो शिष्य को शिक्षा दे सके, दीक्षित कर सके। और आज के इस माहौल में आपको अपनी प्यास को बुझाने के लिए लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। इसलिए कहा है कि गुरु कीजिए दस पांचा, पांच दस करिए, जब तक मिले ना सांचा। इसके परीक्षा लेते रहें और अपने जीवन में एक गुरु होना बहुत जरूरी, उसी से आप सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन को गुरु के चरणों में अर्पित करके आप सारी समस्याओं से निवृत्त हो सकते हैं। फिर गुरु जाने और परमपिता परमेश्वर जाने। प्रिय साथियों नमस्कार, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 31 मार्च गुरुवार आज का राशिफल। आज मैं दुबई में हूं, आप चाहें तो वहां पर मुझसे पर्सनल मिल सकते हैं। 8 अप्रैल को मैं मुंबई में हूं, 9 अप्रैल को पुणे और 10 अप्रैल को अहमदाबाद रहूंगा। उसके बाद 15 अप्रैल दिल्ली, 16 अप्रैल मेरठ, 17 अप्रैल काठमांडू रहूंगा, 22 अप्रैल बेंगलुरु, 23 अप्रैल हैदराबाद और 24 अप्रैल को मैं कोलकाता के साथ 25 अप्रैल को जमशेदपुर रहूंगा। आप चाहें तो वहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं। प्रिय साथियों चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग में। आज दोपहर में 12:22 तक चतुर्दशी तिथि, फिर अमावस्या रहेगी और आज ही सुबह 10:30 तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, फिर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। आज ग्रहों से बनने वाले वाशी योग, आनंद आदि योग, अनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन आज एक नया शुक्ल योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो शश योग और रोचक योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे। आज के दिन अगर आप किसी शुभ या मांगलिक कार्य के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो आपको दो बार मिलेंगे। सुबह 7 से 8 तक शुभ का चौघड़िया और शाम को 5 से 6 तक भी शुभ का चौघड़िया। कोशिश करिएगा कि दोपहर को 1:30 से 3 तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आज 6 राशि का राशिफल देखने के बाद गुरु मंत्र में जानेंगे परिवार में आ रही समस्याओं के निवारण के लिए क्या उपाय करें और कार्यक्रम के अंत होगा आज का अश्रु ज्ञान। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपको एक अच्छे वकील की जरूरत है या कानूनी दाव पे सीखने की जरूरत है ताकि आपको कोई मूर्ख ना बना सके, हर डॉक्यूमेंट को आप संभाल के रख सके। जो लोग कोई भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, चाही गई सफलता न मिलने के पीछे कारण आप खुद हैं। समय पर काम नहीं करते हैं, गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट हो जाता है। कोई यात्रा का प्रोग्राम बन रहा है तो उसमें आज परेशानी और खर्चे बढ़ सकते हैं, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और वैल्यूएबल चीजों को संभाल कर रखें। इस समय कोई भी जोखिम अथवा खतरा उठाने का प्रयास नहीं करें। नौकरी में काम करते हैं तो कुछ अनचाही गलतियां भी होती रहती हैं, लेकिन आज कोई गलती से आपकी छवि खराब हो सकती है। किसी सदस्य के विवाह या सत्संग या किसी माहौल में आपको जाने का अवसर मिलेगा। आलस्य त्याग कर स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज अपने ही काम पर जुटे रहना चाहिए। जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, गॉसिपिंग, टाइम वेस्ट करोगे, उतना ही आपको नुकसान होगा। सेहत पहले से ठीक ठाक है। वृषभ राशि, छोटे हो या बड़े, भाई हो या बहन, खुशी की खबर आप लोगों को जरूर मिलेगी। कॉम्पिटिटर सक्रिय रहेंगे और उसका असर आपके व्यापार पर नहीं पड़ेगा। सितारों का साथ यानी ग्रहों का खेल आपके आत्मविश्वास पर वृद्धि कर रहे हैं।
जैसा हमारा आत्मविश्वास होता है वैसी हमारी क्षमता होती है। करियर निर्माण के क्षेत्र में उम्मीद की किरण जग रही है जो भविष्य में लाभ और सुख प्रदान करेगी। वाशी योग के बनने से नौकरी में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी। एग्जाम को देखते हुए स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आ रही समस्याओं को डिस्कस करके खत्म कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन से बड़ा लाभ मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। पिता ग्रैंड पेरेंट्स के आदर्शों पर चलना, उनकी बातचीत को मानकर आगे बढ़ना आपके लिए शुभ रहेगा। सेल्स परचेस मार्केटिंग से जुड़े हुए बिजनेस में अपने विचार और रवैये को आप प्रेरित कर पाएंगे। प्रेरणा का सबसे बड़ा सोर्स आपके विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और रोज जीतने के लिए प्रयास करें। अनुभवी लोगों से सहयोग प्राप्त कर सकेंगे। वर्क प्लेस पर कार्य में कमी आएगी और दिन सुकून से गुजरने में थोड़ी तकलीफ आएगी। परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखिए, आपके लिए यही बेहतर होगा। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सफलता हासिल करने के लिए आज आपको कुछ डू मोर और स्पेशल करना होगा। सर दर्द और बदन दर्द परेशान कर सकता है, अलर्ट रहिए। कर्क राशि, सोशल लाइफ, सोशल मीडिया, समाज, परिवार, गली मोहल्ले के लिए कुछ स्पेशल करने का मौका मिलेगा। यूट्यूबर, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, उनके लिए आज इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज काम आएंगे। पैकेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कोई भी ऐसा काम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, आपको उस बिजनेस में यात्रा से सफलता मिलेगी। नए लोगों से कॉन्टैक्ट बनेंगे। अनफा योग और विशेष योग की वजह से आपका लोन अप्रूव हो सकता है, आपके फाइनेंस की तकलीफ दूर हो सकती है। बेरोजगारी दूर करने के प्रयास अब सफल होंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के बीच बुद्धिमत्ता से आज आप काम कर पाएंगे ताकि गलतियां और झगड़े फसाद से दूर रह सकें। बुद्धि वह आग है जो संपूर्ण जगत को अकेले रोशन करने का साहस दिखा सकती है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स मार्गदर्शन के लिए बुजुर्गों और टीचर, कोच, मेंटोर का सहारा लेंगे और बड़ी समस्या का हल आराम से निकाल लेंगे। थकान के समय एंटरटेनमेंट आपको मिलना चाहिए। अच्छा म्यूजिक और अच्छे भोजन का आनंद आपको मिलने वाला है। सिंह राशि, यात्रा में थोड़ी तकलीफ आएगी, खुद यात्रा न करें, किसी और को भेज दें, यात्रा को छोटा कर दें तो अच्छा रहेगा। लेबर डीलरशिप बिजनेस पे दिन विवाद वाला साबित हो सकता है, धीरज धैर्य और संयम रखें। नौकरी के लिहाज से दिन आपकी उम्मीदों पर खतरा नहीं उतरेगा, उसके लिए आपको अभी कड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। जो श्रम से लजाता है वह सदैव परतंत्र रहता है। वर्क प्लेस पर आपसे सभी वरिष्ठ जनों की अपेक्षाएं अधिक रहेंगी और संभवतः आप उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं भी कर पाए। घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होने की वजह से आज खर्चा बढ़ सकता है, आज कुछ खरीदना हो तो शुभ समय है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अपनी स्किल क्वालिटी को समझिए, आपके पास ऊर्जा और समय की कोई कमी नहीं है, बस समय का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, उस पर थोड़ी तकलीफ रहती है। पेट से संबंधित तकलीफ आपको परेशान करेगी, अच्छा भोजन, समय पर भोजन करें। कन्या राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर वरना लव पार्टनर, वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ मनभेद और मतभेद को बुलाइए। आज कुछ ऐसा करिए जो आपके और आपके अपनों के चेहरों पर खुशी आ जाए। आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम्योपैथी मेडिसिन या किसी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित काम आप कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस, तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सरकार से मदद मिल सकती है, साथ ही व्यापार में आ रही कानूनी अड़चन लगभग दूर होगी। वर्क प्लेस पर आप अपने विरोधियों से भी अपने कार्य करवाने की कला में महारत हासिल कर लेंगे। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण अब रखना पड़ेगा। कोयल तब तक मौन रहती है जब तक उसकी मधुर वाणी नहीं फूट पड़ती। जब भी बोलो मधुर बोलो, कड़वा बोलने से चुप रहना ही बेहतर है। घर और व्यवसाय दोनों जगह बहुत सोच समझकर फैसला लेंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज अपने अपने काम में आप जुटे रहेंगे। शारीरिक कष्ट थोड़ा सा संभव है, ख्याल रखिए। आज के गुरु मंत्र की बात करते हैं। परिवार में आ रही समस्याओं के निवारण के लिए यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। स्नान आदि कार्यों से निवृत्त रहकर आज छह राशि के बाद जो उपाय है उसे नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए परिवार में सुख शांति लाना बहुत आसान हो सके। आज घी का दीपक प्रज्वलित कर भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, हो सके तो हवन भी कर सकते हैं। आपको उसके बाद दिन भर शांत रहना, जितना रहेंगे मौन उतना ही जीवन में रहेगा रोमांच और उत्सव रहेगा, आप इस पर विचार जरूर करिएगा। तुला राशि, खर्च और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए आज आपको कोई नुस्खा मिल जाएगा। वाशी योग और अनफा योग के बनने से बिजनेस मीटिंग में और प्रेजेंटेशन में आपका कॉन्फिडेंस शानदार रहेगा और आपकी मुलाकात नए लोगों से होगी, यात्रा सार्थक होगी। सभी काम मन लगाकर करिए तो आपको खुशी की खबर मिलेगी। मेहनत निकट भविष्य में लाभदायक रहेगी और नए द्वार खोलेगी। वर्क प्लेस पर शांत रहें और ध्यान करें ताकि सभी परिस्थितियों में खुद को संतुलित बनाया जा सके। अपने ऑफिस टेबल पर कोई भी फालतू की चीजें मत रखिए, जितना व्यस्त जो व्यवस्थित आप काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बढ़ेगी।
स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स नए और पुराने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहेंगे। स्वास्थ्य पहले से बेटर है। वृश्चिक राशि, संतान सुख और संतान से सुख मिलेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन बिजनेस करने वाले लोगों के लिए मध्यम फलदायी है, लेकिन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाले लोगों के लिए अच्छा दिन है। नए ऑर्डर हाथ आ सकते हैं। कुछ कर दिखाना है तो कांटों भरी राह पर चलना पड़ेगा। आसमान को छूना है तो कड़ी धूप में भी तपना होगा। वर्क प्लेस पर पुराने मतभेद और मनभेद दूर होंगे और आप अपने कार्यों के प्रति प्रगति ला पाएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को समय दीजिए। घर में आनंद का माहौल बनाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप कड़ी मेहनत से परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं और ये अग्नि परीक्षा है जो मानसिक और शारीरिक रूप से आपको और मजबूत करेगी। बात करते हैं धनु राशि की। जमीन और जायदाद के मामले सुलझाइए। कोई खरीद फरोख्त, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी है, देखना है, विचार करना है, उस पर बात करिए। फाइनेंस से संबंधित मामलों को आप खुद निपटाइए। नौकरी पेशा लोग अच्छी संगत और तार्किक बुद्धि से, अच्छे प्रेजेंटेशन से आज अच्छा महसूस करेंगे। परिवार के प्रति आपका समर्पण का भाव नहीं टलना चाहिए। कोई जटिल समस्या का हल आपके पास है। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या फिर सही समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हमें स्वयं देते हैं, हम अपने आप को ही देते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपकी परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर आएगी। आलोचना आपकी जरूर होगी, लेकिन आप उससे पार पा जाएंगे। मकर राशि, पराक्रम, एंथुसियाज्म और जोश और जुनून में वृद्धि होगी। वाशी योग के बनने से आपकी व्यवसाय यात्रा सफल रहेगी। बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे और वर्क प्लेस पर कोई बड़ा काम करने का मन बन सकता है। प्रसन्नता में वृद्धि होगी और साथ ही थकान महसूस होगी। यह समय परिवार को समर्पित करने का है। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अध्ययनरत स्टूडेंट के लिए अत्यंत सुखद दिन है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या जॉब करे लोगों के लिए आज बड़ा अच्छा दिन है। जोड़ों में दर्द वापस आ रहा है, ख्याल रखिए। कुंभ राशि, अपने नैतिक मूल्य और जिम्मेदारियों को पूरा करके आप आशीर्वाद आज लूट लेंगे। बिजनेस में आत्मविश्वास से काम लेंगे और लाभ के नए अवसर हाथ लगेंगे। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वर्क प्लेस पर दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व की तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं। परिवार के साथ अच्छा भोजन करें और उन विचारों को जरूर शेयर करें जो आपके दिल और दिमाग में है। बात करने से हल निकलता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें स्टूडेंट और खेल में तैयारी करें खिलाड़ी आज बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, अपने जीवन में अफसोस शब्द को हटा दो, क्योंकि बहुत कुछ करने से रोकता है। स्वास्थ्य के पाया पहले से मजबूत है, इसलिए एक्स्ट्रा और एडवांस में काम किए जा सकते हैं। मीन राशि, आपकी बौद्धिक विकास होगा, याददाश्त अच्छी रहेगी, नई चीजें पढ़ना, लिखना, समझना, देखना, ये सब कुछ मौका मिलेगा। रिसर्च और डेवलपमेंट अच्छा होगा। आपकी समझदारी और बुद्धिमत्ता से ऑनलाइन व्यवसाय में आपके हाथ लाभ लगने वाला है। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग लाभ प्राप्त करेंगे। जितना फिरोगे, ट्रेवल करोगे, उतना लाभ कमाओगे। वर्क प्लेस पर कार्य प्रणाली में सुधार होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से सुर, ताल और लय एक शानदार टॉनिक का काम करेगा। जिंदगी हो या खेल, कोई सा भी हो, आपसी तालमेल के बिना हार निश्चित है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ आप जियोगे तो लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर फिर किए गए प्रयासों से आपको सेहत में सुधार महसूस होगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए बात करते हैं आज के अश्रु ज्ञान की। अगर आपकी राशि तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ, मीन है तो आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ, मिथुन, कर्क, कन्या राशि वाले लोगों के लिए सामान्य है, लेकिन मेष, सिंह, धनु राशि वाले लोगों के लिए थोड़ा संभल कर रहने का दिन है। फिर भी आज आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं, पीले वस्त्र बांटिए और कोई भी धार्मिक पुस्तक मंदिर में जाकर डोनेट कर दीजिए, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।